mom, the mom, the mom. Don't stay in Hoi An and don't buy anything from Hoi An. Here we have squid and also chicken and also pork. So like six different pieces. With clean water, even if it's very near to the city, it's very clean. Yeah, this is for 45,000. So I ordered a plate where I get like a mini platter of some seafood and also pork and chicken. So here we have shrimp, here we have squid and also chicken and also pork. So like six different pieces, four different types of meat and six like a mini platter of seafood and also normal meat. So I'm very excited to try it. And they gave you this also, which you will not eat. Veggies. I think this is egg. No, this is no? Just some kind rice. Of pancake. Yeah. But it's very hot. I'll eat it. Chicken. You have chicken? So what happened? Anything different? Dip it in the sauce. There's rice. Squid. पैरों में आज थोड़ा सा तो प्यास है, आस है लहरों में आज थोड़ा सा तो प्यास है, ओ गॉड दनांग यू आर ब्यूटिफुल. I refer you all to come to Da Nang. It's a beautiful city with the beautiful beach. It's a very beautiful beach with clean water. Even if it's very near to the city, it's very clean. Chaka, chamak. Tamam. Chaka, chaka, no chaka. Tamam, tamam, tamam. Which one should I try? Which one is good? Good. Good. Yeah. And this pork? One sok chan. Is this pork? Yeah. One. Is this pork? काफी अच्छा लग रहा है दना. काफी अच्छा लग रहा है, but I miss pukok. Okay, I miss pukok too. Pukok was better. खाना भी अच्छा था ना? हाँ. Pukok का खाना भी अच्छा था. जगह भी अच्छा था. But Da Nang is good too. I think Da Nang is the first city जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा better communicate कर पा रहे लोगों के साथ. Ho Chi Minh City and Phukok में तो communication हो ही नहीं रहा था. Da Nang में फिर भी थोड़ा बहुत communication होता है. हाँ, English आता है उनको. People speak English a little better. खाना वगैरह तो अच्छा सब जगह में सेम ही है, अभी तक तो सेम ही लगा मुझे. नहीं, Phukok अच्छा था. हाँ, Phukok का खाना अच्छा था. और आज हमने बहुत खराब खराब खाना खाया. या I cannot eat. But अभी ये लास्ट डिनर वाला जो मैं खा रहा हूँ, श्रिम्प एंड पॉक सॉसेज, बीच में बैठ के अच्छा सा ठंडा हवा लेकर. बीच देखो, इट्स वेरी नाइस. इतना सुंदर लहरें और इतना क्लीन वाटर है. अभी मैं सामने जाके देख के आई, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट और बहुत क्लीन है. मतलब
हमको मौका नहीं मिला कि इसमें थोड़ा सा मजा कर पाए ना। कल सुबह क्या बोलते है, सनराइज देखना है? मैं तो सोने वाला हूँ। अगर वेकेशन में आगे 6 बजे उठना पड़ा तो ये क्या वेकेशन है? तो सनराइज नहीं देखेंगे? नहीं, मैं सनसेट से खुश हूँ भाई। तो आज डेनांग का चैप्टर इधर से क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं हनोई में। हाँ, और इधर पे कंपैरेटिवली वो बताओ ना, वो हुयान का एक्सपीरियंस क्या, हुयान में जो प्राइसेस था? हाँ, तो हम लोग डेनांग से हुयान गए थे, तो हम लोग डेनांग में एक नाइट मार्केट में गए थे जो सिटी के सेंटर में है। तो उधर में जो प्राइसेस है, अगर आप हुयान में जाओगे, हुयान तो और एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, राइट? सब लोग वियतनाम आने से हुयान जाते ही है, डेनांग आने से भी हुयान जाते। हुयान अगर जाओगे तो कीप दैट इन माइंड कि हुयान का जो मार्केट है, मतलब उधर का जो एंशियंट टाउन या हुयान का मेन जो मार्केट है, नाइट मार्केट, एंशियंट टाउन, जो भी है, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो लैंटर्न वाला एरिया, उधर में जाओगे तो आपको अगर दनांग पहले आ चुके, देन यू विल सी द ड्रास्टिक प्राइस डिफरेंस, लाइक 2 times मोर एक्सपेंसिव। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कोई भी एक सामान ले रहे हो, मैं खाना का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप इधर का नाइट मार्केट में जाके एक पॉक सॉसेज खा रहे हो, जो आपको 10,000 या 15,000 मिल जाएगा, या ज़्यादा बड़ा या अच्छा होने से 20,000 में मिल जाएगा, 20,000 का वन पॉक सॉसेज। सेम अगर आप हुयान में जाओगे, डबल 30,000-40,000 में मिलता है। सिमिलरली जो खरीदने का, शॉपिंग करने का जो सामान है ना, जो इधर पे 50,000-60,000 बोलेगा आपको इन दनांग, वो सेम चीज़ हुयान में अगर जाओगे तो डबल 120,000-140,000-150,000 ऐसा बोलेगा। और एक एग्जांपल देखो ना, डांस कर दो। और एक एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस दनांग का जो नाइट मार्केट है उधर पे, और एक एग्जांपल फॉर इंस्टेंस दनांग का जो नाइट मार्केट है उधर पे, जहाँ पे भी आप अगर क्या कहते हैं वो मसाज वगैरह अगर करोगे तो 50,000 ऐसा में मिल जाएगा। उधर में जाओगे तो वो लोग बोलेंगे कि बाय वन गेट वन फ्री, मतलब 50 खरीदने से 50 फ्री मिलेगा, ऐसा नहीं। वो लोग क्या करते, बाय वन गेट वन फ्री का स्कीम लगा के बोलते 130,000 फॉर 1%। डेनांग में 50,000 फॉर 1% और हुयान में 130,000 फॉर 2%। मतलब अगर आप 50-50 भी लगाओ तो 100 में 2 लोगों का हो जाएगा, बट हुयान में 30,000 यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड ऑल्सो हुयान में खाना भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब उधर का जो नाइट मार्केट था कंपेयर टू दनांग। और होटल्स भी एक्सपेंसिव। हाँ, यस, एंड ऑल्सो अबाउट होटल्स, हुयान में होटल्स थोड़े से एक्सपेंसिव है। जैसे कि आप अच्छा वाला होटल में अगर चाहो तो 1500-2500 में मिल जाएगा। इधर पे आपको 500 में भी बहुत अच्छे अच्छे होटल, 600-700 में 2-star, 3-star होटल विथ स्विमिंग पूल, विथ गुड रूम, विथ ओशन व्यू या ओशन एकदम 5 मिनट पास, ऐसा मिल जाएगा विद इन 600-700-500 इन दनांग। सेम चीज़ हुयान में, वेल हुयान में तो ओशन व्यू तो नहीं है, बट हुयान का जो होटल्स है, नॉर्मल होटल्स भी आपको 1,000-1,200-1,500 ऐसा का मिल जाएगा। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज गेट ए स्कूटी, रेंट ए स्कूटी फॉर ए डे, एंड आप दनांग में रुको, दनांग में रुक जाओ, दनांग में रुक के आप हुयान जाके आओ। शाम होने के बाद, आफ्टर सनसेट, हुयान इज़ ब्यूटीफुल। सो जस्ट टेक योर स्कूटी, शाम होने के बाद 4-5 बजे के बाद हुयान थोड़ा घूम के आ जाओ, एक दो घंटा, एंड इट्स जस्ट आई थिंक 22-23 किलोमीटर्स अवे। तो आप आधा घंटा एक घंटा में तो पहुँच ही जाओगे। बट रहो दनांग में एंड हुयान घूम के फिर से दनांग वापस आ जाओ। डोंट स्टे इन हुयान एंड डोंट बाई एनीथिंग फ्रॉम हुयान अनटिल एंड अनलेस देयर इज समथिंग दैट यू स्पेशली लाइक, बहुत ही पसंद आ गई तब तो खरीदना पड़ेगा। बट ट्राई टू शॉप एट द दनांग का लोकल मार्केट जो ड्रैगन ब्रिज के पास में है, ड्रैगन ब्रिज के राइट साइड में है, तो उधर में आप कर सकते हो। ओके फाइन, तो अभी लहरों को एंजॉय करने के बाद होटल जा रहे हैं। बाय बाय।